सड़कें तालाब बनी है, इसका मुजायरा भर हम आपको दिखा देते हैं। खजौली अजमानपुर मार्ग पर जहां सड़कें नहीं गड्ढे हैं और गड्ढे भी तालाब बन गए हैं। आगरा की तहसील अदमादपुर से खंदौली रोड पर लोग ठीक से निकल नहीं पाते हैं। रोड में अनगिनत गड्ढे हैं, जलभराव के कारण लोग बाइक से निकलते समय गिर जाते हैं। कभी कभार लोगों की कार भी इस रोड पर फंस जाती है। आए दिन गड्ढों के चलते दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। इससे ग्रामीण जनता एवं राहगीरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड किनारे बसे लोगों ने बताया कि वैसे तो 2 से 3 वर्ष इस रोड की हालत जर्जर है, लेकिन मानसून के निकलने का खतरा खाली नहीं है। लोगों ने बताया कि मानसून के दौरान गड्ढों में भरे पानी के आए दिन उपाय को बदल जाती है और दुर्घटनाएं होती, जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद व अन्य प्रतिनिधियों से की गई है, लेकिन अब तक रोड निर्माण नहीं हुआ है। अहमदपुर खंदौली रोड पर अनगिनत गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित खजौरी। कौन सा गाँव है? लेहला रही। ये आपके गाँव में क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये सड़क कम से कम पिछले 2-3 साल से खराब पड़ी है और हमें एक आध जगह ऊपर हमने कहा सुनी हुई है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर टिकरी लगाए जाते हैं, टिकरी 8 दिन बाद ऐसी रहती है और आगे तो इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से निकला नहीं जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसका विकास होना चाहिए। सरकार वोट ले रही है तो उसके बदले में कुछ करके दे। अब आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपका जो कैसा किस तरह का विधायक आप चुनना चाहेंगे? विधायक इस तरह का चुनना चाहते हैं कि विधायक हमारी सुने, काम कराए और ये टिकरियाँ 8-8 दिन बाद उखड़ जाएं, मजबूत काम होना चाहिए, ये चाहते हैं। मेरा नाम संदीप प्रताप सिंह है। ये कौन सा रोड है? ये बाईपास है अहमदपुर से खंदौली के लिए। तो इस पे ये क्या समस्या? रोड ये टूटा हुआ है। ये रोड लगभग 3 से 4 साल हो गए, इस पे कोई काम नहीं हुआ और इस पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। बरसात के समय यहाँ जो है बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी इसमें जो है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? रोड का हम लोग चाहते हैं कि इस रोड का जो है आगरा पुलिस ने एक सेल्समैन की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 उसके अन्य साथी फरार हैं।